हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं शानू राणा। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल मास्टर स्टडी हब में। आज फिर से मिलते हैं जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, नई एनर्जी के साथ। ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम NTPC, UPSSSC, SSC किसी भी एग्ज़ाम में ये पूछे जा सकते हैं, और हर क्वेश्चन के साथ उसका इंपॉर्टेंट फैक्ट भी समझते हुए चलेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरा मोटिवेशन बनाए रखिए, इससे मैं और भी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूं। और वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? यहाँ पर पूछा जा रहा है यूनाइटेड प्रोविंस, ये उत्तर प्रदेश कब बना था? ये बना था 1950 में। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए, ये उत्तर प्रदेश का पहले नाम था यूनाइटेड प्रोविंस। ये नाम बदला था 24 जनवरी 1950 को। कब बना था? 24 जनवरी 1950 को ये उत्तर प्रदेश बना था। अच्छा, यूनाइटेड प्रोविंस जो नाम था, इससे पहले भी इसका एक नाम हुआ करता था 1877 में, 1877 में इसका नाम हुआ करता था नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। क्या हुआ करता था? नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस ये नाम हुआ करता था उत्तर प्रदेश का। बाद में 1902 में क्या हुआ था, इसमें जब नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस नाम था 1877 में, तो इसमें एक ही प्रेसिडेंसी थी जो कि आगरा थी, तो आगरा ही प्रेसिडेंसी हुआ करती थी उस समय। बाद में 1902 में अवध प्रेसिडेंसी और आगरा प्रेसिडेंसी को एक ही में मिला लिया गया और इसका नाम रख दिया था यूनाइटेड प्रोविंस। क्या नाम रखा था? यूनाइटेड प्रोविंस नाम रखा था, और जिसको हिंदी में कहा जाता था संयुक्त प्रांत। क्या कहा जाता था? संयुक्त प्रांत हिंदी में कहते थे, और इंग्लिश में यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, जो कि शॉर्टकट में यूपी, जो कि आज भी शॉर्टकट नेम यूपी ही है। और 1950 में क्या हुआ था, जब संविधान पूरी तरीके से लागू हो गया था अपने देश में, तब इसको 24 जनवरी 1950 को इसका नाम पड़ गया था, नाम रख दिया था उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश जो कि नाम चलता है, और उसका जो शॉर्टकट नेम यूपी जो आज भी चलता है। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जब किसी वस्तु का उत्पादन एक यूनिट बढ़ा दिया जाता है तो कुल लागत में होने वाला योग क्या कहलाता है? जब किसी वस्तु का उत्पादन जो होता है एक यूनिट बढ़ जाता है तो उसमें कुल लागत में होने वाला योग जो होता है वो सीमांत लागत कहलाता है। क्या कहलाता है? सीमांत लागत। इस क्वेश्चन को मैं पहले भी 2 बार करवा चुका हूँ, तो आप लोगों को अब समझ आ रहा होगा। तो सीमांत लागत क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। अब ये क्या होता है, जब लागत में परिवर्तन होता है, अगर उत्पादन की मात्रा एक यूनिट बढ़ जाती है या घट जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? सीमांत लागत। ये इसके बारे में छोटी सी एक बात है, क्योंकि आप सभी लोग याद रखिए इसको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कौन सा दोनों बाह्य स्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता? यहाँ पे बाह्य स्रावी और अंतःस्रावी के रूप में व्यवहार नहीं करता है, वो है पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि या पेट्रियोटिक ग्लैंड इसको बोलते हैं इंग्लिश में। ये पीयूष ग्रंथि जो होती है ये अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों तरह का कार्य नहीं करती है। और भी दूसरी ग्रंथियां हैं जो कि अंतःस्रावी बाह्य स्रावी का कार्य करती हैं, जैसे कि अग्नाशय हो गया, वृषण हो गया, अंडाशय हो गया। ये अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ये दोनों तरीके का काम करती हैं। अब ये पीयूष ग्रंथि होती है, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मास्टर ग्रंथि भी इसको बोला जाता है। और इसका वेट जो है वो 0.5 ग्राम होता है। कितना होता है? 0.5 ग्राम होता है इसका वेट पीयूष ग्रंथि का। और ये कहाँ पर होती है? ये मस्तिष्क के तल पर होती है, निचले हिस्से में। कहाँ पर? मस्तिष्क के तल पर, जो हमारा निचला हिस्सा होता है मस्तिष्क का, वहीं पर होती है ये, वहाँ पर लटकी रहती है ये पीयूष ग्लैंड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद है कि आप सभी को समझ आ रहा होगा। सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा मोटिवेशन बनाए रखिए। जितने भी लोग देखते हैं तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दिया करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सबसे बड़ा रुधिराणु है एक केंद्रकाणु, यानी कि मोनोसाइट। ये सबसे बड़ा रुधिराणु होता है, और इसका जो एरिया होता है, यानी कि इसका जो पूरा व्यास होता है, वो 20 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है? 20 माइक्रोमीटर। मैं लिख के बता देता हूँ यहाँ पर, 20 माइक्रोमीटर इसका व्यास होता है। और ये जो श्वेत रुधिराणु, यानी कि जो इसको हिंदी में सफ़ेद रक्त भी बोलते हैं, सफ़ेद रक्त कोशिकाएँ, जो कि इसके अंतर्गत प्लेटलेट्स वगैरह, बिम्बाणु, ये सब इसी के अंतर्गत आता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? लोहे की, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स।
अभी रिकेट्स क्या होता है, ये सूखा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? जो सूखा रोग होता है वो इसको बोलते हैं रिकेट्स। अब ये रोग किस में होता है? ये ज़्यादातर बच्चों में होता है। बच्चों की जो ये हड्डियाँ होती हैं, नरम हड्डियाँ, उनमें ये फैलता चला जाता है। जैसे किसी छोटे बच्चे के हाथ पैर टेढ़े हैं, या उसके शरीर की बनावट टेढ़ी हो गई है, या ठीक से खड़ा नहीं हो पाता है बच्चा, तो उसमें ये रिकेट्स रोग हो जाता है, जिसको ये आयरन की कमी से होता है। इसको बोलते हैं रिकेट्स रोग। जो हाथ पैरों में टेढ़ापन आ जाना, उसको रिकेट्स रोग बोलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। उत्तर प्रदेश राज्य में किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा? जो उत्तर प्रदेश राज्य में लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक किसका रहा था? ये थे न्यायमूर्ति एन के मेहरोत्रा। कौन थे? न्यायमूर्ति एन के मेहरोत्रा। इनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा रहा था। और ये कब से कब तक रहे थे? ये 16 मार्च 2006 से 30 जनवरी 2016 तक रहे थे। कब से? 16 मार्च 2006 से 30 जनवरी 2016 तक रहे थे। यानी कि ये इन्होंने पूरे के पूरे 10 साल देख लिए थे अपने पद पर। और ये सबसे ज़्यादा इनका कार्यकाल माना जाता है। और इस समय अगर बात आए तो प्रेजेंट टाइम में हमारे उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त तो कौन है? वो है संजय मिश्रा। कौन है? संजय मिश्रा। मैं लिख कर बताता हूँ यहाँ पर, संजय मिश्रा प्रेजेंट टाइम में हमारे उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त नियुक्त किए गए थे, जो कि 2016 में नियुक्त किए गए थे। अब बात आती है कि लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? वो करता है राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल जो होते हैं राज्य के, वो लोकायुक्त की नियुक्ति करते हैं। अब जब संजय मिश्रा की नियुक्ति की गई थी, उस समय राज्यपाल थे राम नाइक। कौन थे? राम नाइक राज्यपाल थे। तो उस समय संजय मिश्रा की नियुक्ति की गई थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लसिका कहाँ से पचे हुए तथा अवशोषित वसा का वहन करती है? जो लसिका होती है वो कहाँ से पचे हुए और अवशोषित वसा का वहन करती है? वो क्षुद्रांत्र होता है। क्या होता है? क्षुद्रांत्र से। अब क्षुद्रांत्र क्या होता है? यहाँ पर शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, क्षुद्रांत्र को छोटी आंत कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटी आंत। अभी ये यहीं पर क्या करती है? जो लसिका होती है, अपना पचा हुआ वसा और जो अवशोषित करती है वसा, वो यहीं से उसको वहन करती है। अब आंतें दो तरीके की होती, छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत में क्या होता है? छोटी आंत जो होती है, यानी कि क्षुद्रांत, इसके 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। और बड़ी आंत के 2 ही पार्ट होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। उम्मीद है कि आप सभी को समझ आ रहा होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और ये जो छोटी आंत होती है और ये जो जो आंत होती है, जो क्षुद्रांत्र होते हैं, यानी कि जो छोटी आंत बड़ी आंत होती है, ये मनुष्यों में होती है। किसमें होती है? ये मनुष्यों में ही होती है। मनुष्यों में होती है छोटी आंत और बड़ी आंत। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भारत के संविधान में समवर्ती सूची किस देश की देन है? ये समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची। अब यहाँ पर मैं इस सूची के बारे में बता देना चाहता हूँ। हमारे भारत के संविधान में तीन तरह की सूचियों का वर्णन किया गया है। 3 तरह की सूचियाँ कौन कौन सी होती हैं? एक होती है संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कौन कौन सी होती है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये यहाँ पर दी हुई है। अब ये इन तीनों सूचियों को किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है? ये अनुसूची 7वीं अनुसूची जो है हमारी संविधान में, 7वीं अनुसूची, इसमें इस अनुसूची में ये इन तीन सूचियों के बारे में दिया गया है। अब बात आती है कि इनके विषय कितने कितने होते हैं। जो संघीय सूची होती है, संघ सूची, इसमें क्या करता है केंद्र सरकार, जो केंद्र सरकार अपना कानून बनाती है इसमें संघ सूची में। राज्य सूची में क्या होता है? राज्य सरकार अपना कानून बनाती है। और जो समवर्ती सूची होती है, इनमें साझा रूप से होता है, दोनों मिश्रित रूप से ही अपना कानून बना सकते हैं, लेकिन जो अंतिम फैसला होता है वो केंद्र सरकार का ही होता है। अंतिम फैसला समवर्ती सूची में जो लिया जाता है वो केंद्र सरकार का ही माना जाता है। अब बात आती है इनके विषय की। तो इसमें जो संघ सूची में विषय होते हैं, पहले विषय इसमें होते थे 97 और अब इसमें विषय हैं 100 विषय हो गए। कितने हो गए? 100। पहले कितने थे? 97 और अब कितने हो गए हैं? 100 विषय हो गए हैं संघ सूची में। देखते हैं अब राज्य सूची की बात करते हैं। राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर, तो सभी लोग ध्यान से देखिए इसको। राज्य सूची में 61 विषय हैं। अब समवर्ती सूची की बात करते हैं, तो समवर्ती सूची में पहले 47 विषय हुआ करते थे। कितने? 47 विषय हुआ करते थे और अब इसमें 52 विषय हैं। कितने विषय हैं? 52 विषय हैं इसके अंतर्गत। तो उम्मीद है कि आप सभी को समझ आ रहा होगा।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सोल्डर किन दो धातु से मिलकर बना होता है? सोल्डर किन दो धातुओं का मिश्र धातु है? ये टिन और सीसा का। बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता ही होगा। ये टिन और सीसा जो होती है, इन दो धातुओं से मिलकर क्या बनता है? सोल्डर। यहाँ पे टिन जो होता है, टिन का फॉर्मूला ये होता है, और सीसा को बोलते हैं लेड, यानी कि Pb। अब यहाँ पर कितने कितने प्रतिशत होता है? 67% होता है इसमें सीसे का, और टिन का परसेंट होता है इसमें 33। कितना परसेंट होता है? 33। और टिन का 33% होता है और लेड का 67% मिलाकर ये सोल्डर बनाया जाता है। और इसको सोल्डर को टाका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाका। आम बोलचाल भाषा में इसको टाका भी कहते हैं, सोल्डर को, जो कि रेडियो के पार्ट्स, आपने छोटे छोटे पार्ट्स में जो सोल्डरिंग की जाती है वो आपने देखी होगी सभी ने। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। धातुओं के पृष्ठ पर उपयुक्त तरंग दैर्ध्य का प्रकाश पकड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्क्षेपण की परिघटना को क्या कहते हैं? जो उत्क्षेपण की परिघटना को क्या कहते हैं? ये कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। क्या कहते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अब ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जब किसी धातु पर या अधातु पर या द्रव्य पर या ठोस पर या गैस पर किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण, जैसे कि एक्सरे हो गई या दृश्य प्रकाश हो गया, उसमें से ऊर्जा को जब उसमें से जब ये गुजारा जाता है, जब उसके विकिरण के संपर्क में आता है, तो ये क्या करता है? ऊर्जा को शोषित करता है। उसके बाद में क्या होते हैं कि इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। और इसी घटना को, जो जब ये प्रक्रिया होती है, इसी प्रक्रिया को कहा जाता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। और जब ये प्रक्रिया होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है प्रकाश इलेक्ट्रॉन। क्या कहा जाता है? प्रकाश इलेक्ट्रॉन। तो उम्मीद है कि आप सभी को समझ आ गया होगा। अभी इसकी जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, ये सबसे पहले प्रकाश वैद्युत प्रभाव का एक्सपेरिमेंट किसने किया था, तो यहाँ पर बात आती है, तो 1887 में, 1887 में एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट एच हर्ट्ज। कौन थे? एच हर्ट्ज। इन्होंने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। किसने किया था? एच हर्ट्ज ने सबसे पहले प्रकाश वैद्युत प्रभाव का प्रयोग किया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द्रव्यमान संख्या का योग है, द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? ये आप सभी को पता ही होगा, ये प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या के योग को कहते हैं द्रव्यमान संख्या। ये इसकी परिभाषा होती है, जो कि आप सभी को पता ही होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद देखेंगे कल का होमवर्क क्वेश्चन। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का क्या कारण होता है? जो पानी की बूंद हो जाती है, वो तेल, जहाँ पर तेल जैसी फर्श होती है, तेल जहाँ पर फैल जाता है, उधर पानी की बूंद क्या होती है? चिपक जाती है। तो वो वहाँ पर कौन सा बल लगता है? वहाँ पर बल लगता है असंजक बल का अभाव। वहाँ पर असंजक बल का अभाव होता है, यानी कि असंजक बल की कमी होती है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि ये असंजक बल और ये होता क्या है। ये दो तरीके के बल होते हैं, असंजक बल और ससंजक बल। देखिए, ससंजक बल होता है, मैं लिख कर बता देता हूँ, ससंजक बल और असंजक बल। ये दो तरीके के बल होते हैं। जो ससंजक बल होता है, ये गैसों में शून्य होता है, गैसों में ये शून्य होता है, और ठोसों में ये सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा ठोसों में ये होता है और गैसों में शून्य होता है। असंजक बल क्या होता है? ये दो भिन्न भिन्न पदार्थों पर लगता है। किस पर लगता है? दो भिन्न भिन्न पदार्थों पर कार्य करता है। और ये जो होता है, ये इसमें क्या होता है, इसमें जो चिपकनापन होता है, मतलब जो पदार्थ होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं असंजक बल में। तो उम्मीद है कि आप सभी को समझ आ रहा होगा। तो चलते हैं कल के होमवर्क क्वेश्चन की तरफ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं और भी ज़्यादा मेहनत करके आप लोगों के लिए क्लास लेकर के आऊँ। और एक बात और, मैं पॉलिटी की क्लास लेकर के आना चाहता हूँ, बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से पॉलिटी स्टार्ट करूँगा, पार्ट वन पार्ट टू, इस तरीके से मैं लेकर के आऊँगा पॉलिटी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सपोर्ट कीजिए, इससे मैं और भी ज़्यादा अच्छे से बेहतर तरीके से क्लास लेकर के आता रहूँ। देखते हैं कल का होमवर्क क्वेश्चन। कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? ये बहुत ही बच्चों ने इसका आंसर दिया था, तो इसका चार ऑप्शन थे, तो इसका जो राइट आंसर था, नाना साहिब ने। किसने किया था? नाना साहिब ने। और ये 1857 में जब कानपुर में हुआ था, तब इसका नेतृत्व किया था नाना साहिब ने, जो बालाजी विश्वनाथ के उत्तराधिकारी थे, नाना जी साहिब। देखते हैं आज का होमवर्क क्वेश्चन।
आज का होमवर्क क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वह किसके शासनकाल में हुई थी? यहाँ पर बताना है कि जो दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी इसके अध्यक्ष कौन थे और किसके शासनकाल में हुई थी। चार ऑप्शन है आपके सामने, महाकश्यप, अजातशत्रु, सभाकामी अजातशत्रु, सभाकामी कालाशोक या वसुमित्र कनिष्क। मैंने आपको चारों बौद्ध संगीतियों के बारे में कल अच्छे से बताया था, उम्मीद है कि आप सभी ने याद कर लिया होगा। और एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग लाइक कर दिया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि मैं और बेहतर तरीके से आप लोगों के लिए क्लास लाता रहूं, पर डे लाता रहूं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए नॉलेज शेयर करता रहूं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कोशिश क्या करिए, कमेंट किया कीजिए, जितने कुछ ही बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं, तो मैं कोशिश आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सभी लोग आप लोग आंसर किया कीजिए कमेंट बॉक्स में, जिससे कि आप लोग के दिमाग में चीज़ें रुकी रहेंगी, तो आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी लिखने से आपकी प्रैक्टिस, और जब लिखते हैं आप किसी चीज़ को तो वो आपके दिमाग में रुकी रहती है वो चीज़, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ बार बार कि आप लोग कमेंट किया करिए। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।